मेरे बाल उलझे हुए हैं, तो मैं अभी जाके मुंह हाथ धो लेती हूँ एंड देन आई गेट रेडी विथ यू गाइस ऑन स्क्रीन। हे गाइस, तो मैं ना मुंह धो के आ चुकी हूँ और ये है मेरा मेकअप किट। ये देखो, बहुत भरा रहता है यहाँ पे। मैं यूज़ भी नहीं करूँ ना तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास वो सारे चीज़ें होनी चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करने के लिए नहीं सोचती हूँ, बट मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ें मेरे पास होना चाहिए, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उसको यूज़ कर सकूँ। वैसे तो मैं पहले इसको ऐसे कर लेती हूँ, अंदर में थोड़ा सा हल्का सा जो सनस्क्रीन वगैरह जो मेरे डेली मेकअप होती है वो करूँगी आप लोगों के साथ में, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि शेयर करो मेकअप रूटीन एंड ऑल। शॉर्ट में शेयर करती हूँ तो शायद से वो नीचे दब जाता है, इसीलिए आप लोग देख नहीं पाते हो। तो वैसे तो यहाँ पे मैं पहले अपना लिपस्टिक और लिप का जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं मैं यहाँ पे रख रही थी, पर ये छोटा रह गया। अब मैं इस पर कैरी करती हूँ और इस पर मेरा लेंस वगैरह है। आप लोग अगर मुझे जानते होंगे तो 5-6 साल पहले से, चार या 5-6 साल पहले से अगर जानते होंगे तो आई यूज़ टू यू नो वेयर लेंसेज एंड मैं हमेशा प्रॉपर मेकअप में रहती थी। बट अब लगता है कि मैं उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं ना ये सब सारे चीज़ें छोड़ चला ना, मुझे अब पसंद नहीं आती है। तो मैं अब काफ़ी टाइम बाद मैं ना लेंस लिया है, इट्स बीन 2-3 मंथ्स सॉरी ईयर्स, मैं काफ़ी टाइम बाद लेंस यूज़ करा है, बट अभी भी डेली नहीं करती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक कॉन्टेंट के लिए चाहिए था, तो ये वाला तो अगर याद होगा आप लोग, मैंने मम्मी के लिए एक लिया था और मेरे लिए खुद के लिए लिया था। मम्मी का तो ख़त्म हो गया, नया लिया मम्मी ने, बट मेरा अभी तक ऐसे का ऐसे ही है। ऐसे ही सामान लेती हूँ। और मैं गाइस एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, ये देखिए मैंने ना नया सनग्लास लिया है, देखिए ये देखिए, ये तो बॉक्स तो कितना प्यारा है, देखो प्यारा है और हैवी भी है, ये फोकस नहीं हो रही है, फॉरएवर न्यू की है। मुझे एक चीज़ें तो बहुत बुरी लगी इसका, इतना वाहियत ये ऐसा निकल रहा है देखो, और उसके बाद में ये देखना इसका ना ये साइज़ ज़्यादा बड़ा होने की वजह से ये देखो स्क्रैचेस आ गए, मतलब इसको खरीद के अभी इतना पहना ही नहीं मैंने और इसका स्क्रैचेस आ गया, देखो कौन पहनेगा भाई, मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है। और ये देखो कितने का है, क्या यार, पर मुझे बताओ ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। वैसे ऐसे वाला मेरा पहले भी सनग्लास था, आप लोगों ने देखा मैं काफ़ी पहनती थी, बट वो ना उसकी थी पेंशन चेस करके था, वो शायद लेंस कार्ट का था, पर उसको ना मैं मम्मी को दे दिया क्योंकि मम्मी को बहुत अच्छा लगता है सनग्लासेस पहनना। तो ये मेरा न्यू सनग्लास है, पर इसमें जो स्क्रैच हो गया वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एंड यस गाइस, मैं बता दूँ कि ये ना 3000 की है, बट मुझे कम नहीं मिला, ऑफ में लिया था मैंने 1200 ऐसे कुछ का। देखो ये इतना बड़ा है, जब ये इतना बड़ा है तो सनग्लास इतना बड़ा बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स जब इतना बड़ा है तो बॉक्स भी तो बड़ा बनानी चाहिए ना। दिमाग खराब, हम क्यों एडजस्ट करें भाई, हम पैसे देने में एडजस्ट कर रहे हैं क्या। देखो पूरा भी नहीं आ रहा, इतना बड़ा है ये। तो विदाउट फर्दर आई डू, लेट्स जस्ट डू माय। तो सबसे पहले तो गाइस मैं लगाती हूँ, सबसे पहले तो टोनर लगाती हूँ। अभी मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैं बहुत स्लो कर रही हूँ। सबसे पहले तो टोनर लगाती हूँ अपने फेस में। मैंने एक नया स्टेप्स डेली मेकअप का सीखी है, वो आपको मैं बताती हूँ। अंगारों का हाथ में भी गला में भी लगाना चाहिए। और गाइस मुझे लगता है आजकल ना मेरे डबल चिन्स बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मुझे इस पर भी काम करना होगा। मैंने टोनर लगा ली है, उसके बाद मैं लगाती हूँ विटामिन सी सीरम। अगर इसका आपको डिटेल देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे है, वो आप जाके चेकआउट करना, मैंने अच्छे से बताया इसका बेनिफिट्स वगैरह। वैसे तो स्टेप्स यही होती है, बट कभी कभार होती है कुछ प्रोडक्ट्स नहीं होती है, तो मैं वो चेंज कर लेती हूँ एंड देन कुछ ब्रांड्स चेंजेस होती है। वैसे मैं बहुत पीली दिख रही हूँ ना, आपने नोटिस करा होगा मेरा ये वाला दाग जो ना बहुत ज़्यादा था, ये मुझे एक इंसेक्ट ने काटा था, पर यह पता नहीं कैसे बहुत डार्क हो चुके थे, बट ये विटामिन सी सीरम वगैरह यूज़ करके अब ये काफ़ी लाइट हो चुकी है। देखो इतना विजिबल नहीं है, कैमरा पे विजिबल है बट ऐसे रियल लाइफ में विजिबल ही नहीं है ये। इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। पहले तो मैं फेस में लोशन लगाती थी, बट अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मोहब्बत की नहीं जाती, हाथ पाँव में लगाना इज़ वेरी मस्त। मैंने काफ़ी टाइम से इसको इग्नोर कर रखा था, देखो आप देख पा रहे हो ना फर्क। वैसे ये अभी आज मौसम थोड़ा सा डल हो रखा है, ऐसे समय पे ना शक्ल बहुत डार्क ही दिखता है, स्पेशली जो आईफोन होती है उसके कैमरा में, पर भी हम थोड़े से पीली दिख रहे हैं। उसके बाद में हम लगाएंगे सनस्क्रीन। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं
फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती हूँ गाइस, बट बहुत रेयरली लगाती हूँ। अगर मुझे कहीं इवेंट में जाना होगा, जैसे कि कोई इवेंट में चले गए, कोई पार्टी में, आजकल तो पार्टी में भी मैं लगाती नहीं हूँ। वैसे ये मेरी सनस्क्रीन है, बहुत व्हाइट पैचेस छोड़ता था, बट इसका भी मैंने हल निकल आया। सारी चीज़ें मैं रील्स में शेयर करा गाइस, आप लोग देखते नहीं हो यार, क्यों नहीं देखते हो? फिर मुझे पूछते रहते हो कि आप इस पे क्या लगाया, उस पे क्या लगाया। ये रही मेरी जो डेली जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, एंड देन आई विल मेक माय आईब्रो, एंड देन उसके बाद मैं होंठ पे लिप टिंट लगाऊंगी, दैट्स इट। चलो दैट्स इट गाइस, मैंने कर लिया अपना जो डेली मेकअप होती है, मैंने लिप टिंट लगाई है एंड देन आईब्रो बनाई है बस। और आई फॉरगॉट टू टेल यू, क्योंकि मैंने ना अभी साथ में दो सनग्लास ऑर्डर करी थी, एक ये है लेंसकार्ट से, वेंसन चेस ऐसे कुछ है इसका, तो मुझे इतना अच्छा लगा गाइस। ये बहुत ब्रॉड दिख रहा है, बट इट्स अ ब्राउज़र, मैं इसको थोड़ा कंट्रोल कर लूँगी तो ये सुंदर दिखेगा। और इसका ये भी दिया, लेंसकार्ट का सारे ग्लासेस बहुत अच्छे हैं, मैं अपना पावर वाला भी वही यूज़ करती हूँ, मेरा मम्मी पापा को भी मैंने वही खरीद के दिया है। ये वाला तो पहले मैंने ऑर्डर करी थी, 20 दिन लगाया आ रहे, फिर खुद ब खुद कैंसिल हुआ, फिर मैंने दोबारा ऑर्डर करी एंड देन लास्ट में ये आया, फिर स्क्रैच होके आ गया, मुझे तो गुस्सा आ रहा है।